हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे तीनों टाइप की डेटा का मोड कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट टाइप की डेटा से डील करते हैं। फर्स्ट टाइप की डेटा कैसे दिखती है? डेटा कॉमा डेटा कॉमा डेटा। तो टाइप वन में जो डेटा बहुत बार रिपीट हो वो मोड बन जाता है। अभी इस सम में देखो, 24 एक बार है, 25 एक बार है, 29 इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स, 32 दो बार है, 35 एक बार है, 38 एक बार है, 20 एक बार है। सो इफ यू विल केयरफुली सी द डेटा, इस डेटा में 29 काफी बार रिपीट हुआ है, तो मोड है 29। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो डेटा बहुत बार रिपीट हो रहा है वो मोड बन जाता है। हेयर 29 इज रिपीटिंग many times, therefore mode का notation है z, mode is equals to 29। okay, एक statement लिखना compulsory होता है। here 29 is repeating maximum times, you can write it as 29 is repeating maximum times, या लिख सकते हो 29 is repeating highest times, therefore mode is equals to 29। अभी type 2 data में, टाइप टू डेटा कैसी होती है? देयर इज सम डेटा और उसका काउंट, उसका मोड कैसे निकालते हैं? इट इज अगेन सिंपल। जो डेटा, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो डेटा मोड बन जाता है। अभी इसमें देखो, साइज 4 इसका फ्रीक्वेंसी है 10, काउंट मींस फ्रीक्वेंसी। अभी साइज 5 इसका फ्रीक्वेंसी है 14। सो इफ यू हैव टू ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसीज, हमको फ्रीक्वेंसीज को देख के मोड निकालना होता है। अभी इसमें देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, तो मोड क्या रहेगा? 7, नॉट 18। 18 इज जस्ट द काउंट, द मोड इज 7। आई वांट मोडल साइज। सो हेयर साइज 7 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में मेंशन करो कितना है, 18। देयरफॉर मोड यानी z इज इक्वल्स टू 7। मोड 7 है, 18 नहीं। आई वांट मॉडल साइज। नाउ टाइप 3 डेटा, टाइप 3 डेटा थोड़ा अलग है। टाइप 1 डेटा बहुत इजी था, जो बहुत बार रिपीट हो रहा है वो मोड बन जाता है। टाइप 2 डेटा भी बहुत इजी था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड बन जाता है। टाइप 3 डेटा में कैसे करते हैं? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को ही करते हैं। अब इसमें देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 27, तो वो मेरा बन जाएगा F1। ये है F1, इसको F1 नाम देते हैं। 27 के पहले 21 है, 27 के बाद 13 है, तो 27 के पहले जो डेटा है उसको नाम दिया जाएगा F0। तो ये है F0, ये है F1, ये है F2। तो बेसिकली हमको पहले क्या करना है, टाइप 3 डेटा में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को F1 नाम देना है, उसके ऊपर वाले को F0 और F1 के नीचे वाले को F2। मतलब F1 के बाद वाला F2 है, F1 के पहले वाला F0। ये एक ऑर्डर में होता है, F0 F1 F2। F1 होता है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ थर्ड टाइप ऑफ डेटा? मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 द होल इनटू H, वेयर यू नो व्हाट इज H। H मतलब क्लास का विड्थ कितना है। H L2 माइनस L1 को H भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशंस दिखेंगे, बट इट डजेंट मैटर, एट द एंड दे आर सेम थिंग्स। यहां पे मोड, हाउ टू फाइंड आउट मोड, लेट्स सी। Z इज इक्वल्स टू, अभी L कौन सा लेना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास कंसिडर करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 27, तो ये है L1, ये है L2। फाइन, मोड निकालने से पहले हम डेटा लिख देते हैं। L1 है 300, फाइन, लोअर क्लास 300, 27 का क्लास कंसिडर करना है, क्लास इंटरवल 27 का कंसिडर करना है। L1 है 300, F0 21, F1 27, F2 13, H यानी गैप कितना है? 100 का गैप है, तो H वुड बी 100।
So therefore, mod is equals to L1 300 plus F1 minus F0. That means 27 minus 21. 27 minus 21 upon same repeat ho raha hai, F1 minus F0. 27 minus 21 plus F1 minus F2. 27 minus 13. The whole into H. H yani width. 100. The whole into 100. Z is equals to 300 plus 27 minus 21. It would be 6 upon 6 plus 27 minus 13. It would be 14 into 100. Z is equals to 300 plus 6 upon 20 into 100. 21 za 25 za 21 za 25 za 100 hota hai. Therefore z is equals to 300 plus 6 5 za 30. Therefore mod is equals to 330. Ye hai mera final answer mod ka. So if you see, calculating mod is comparatively simple. Type 3 data mein sirf thodi mehnat hai. Isme formula learn karna bhi kafi easy hai. आपको F1 को as center consider करना है. F1 is main thing. Formula में है F1 minus F0 upon F1 minus F0 plus F1 minus F2. एक बार F1 minus F0 करना है, दूसरी बार F1 minus F2 करना है. Fine. So this is the way to calculate mode. Thank you.